ओके, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। आज मिलते हैं फिर से हम लोग इस पीएलसी का प्रैक्टिकल सेशन में, और आज हम लोग बात करेंगे न्यू इंस्ट्रक्शन के बारे में। प्रीवियस क्लास तक हम लोग बात कर चुके थे टाइमर इंस्ट्रक्शन के बारे में, राइट? आज हम लोग बात करते हैं काउंटर इंस्ट्रक्शन को। सो लेट अस सी हाउ काउंटर इंस्ट्रक्शन वर्क्स इन A7-1200, राइट? तो सबसे पहले यहाँ पे आ करके बेसिक इंस्ट्रक्शंस में हम लोग फोर्थ इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे, काउंटर ऑपरेशंस, राइट? तो यहां पे आ करके इधर में CTU, CTD, CTUD ऐसे करके तीन हमारे बेसिक्स काउंटर हैं, अप काउंटर एंड डाउन काउंटर। एक्चुअली ये दो मेन काउंटर है, अप काउंटर एंड डाउन काउंटर, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू अ थर्ड काउंटर हैज बीन मेड, दैट इज CTUD, काउंटर अप डाउन, राइट? तो सबसे पहले हम लोग एक को समझें कि ये काउंटर अप कैसे काम करता है, एक दिन में एक काउंटर को, राइट? सो दैट कि हम लोग वी कुड हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग, राइट? तो सबसे पहले हम लोग यहां पे आ करके एक कॉन्टेक्ट को लेते हैं, और इस कॉन्टैक्ट से एक इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए दो चीज़ समझिएगा, यहाँ पे एक ऑपरेशन होता है मैनुअल और एक होता है ऑटोमेटिक। अगर आप मैनुअल पे क्लिक करके ओके करते हैं तो ये आपसे मैनुअली एड्रेस मांगेगा, और अगर आप इसको ऑटोमेटिक रहने देते हैं तो इसका जो इस सॉफ्टवेयर का जो डेटा बेस में जो एड्रेस दिया हुआ है वो एड्रेस बाई डिफॉल्ट ले लेगा, जो यहाँ पे देखिए उस काउंटर का नाम से यहाँ पे उसका एड्रेसिंग दिया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ से उसको क्लिक करके देख सकते हैं, तो एड्रेस इसका बाय डिफॉल्ट यही है, तो यही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप ओके पे क्लिक कर दीजिए, और जैसे ही आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करिएगा, ये जो इंस्ट्रक्शन है आपका यहाँ पे आ करके वो प्लेस्ड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक काउंटर है, ठीक है ना? अब यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे देखिए, अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी काउंटर का टाइप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, मतलब एक ही काउंटर को एज ए अप एज ए डाउन यूज कर सकते हैं, अलग अलग नाम को चेंज करके, अदरवाइज आप यहाँ से ला सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ से वो है इंस्ट्रक्शन का डेटा टाइप। अगर आप इंस्ट्रक्शन को मतलब जैसे सिंगल इंटीजर है, डबल इंटीजर है ना, ये मतलब अलग अलग तरीके डेटा टाइप यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है, यू सिंगल इंटीजर है, यू सिंगल इंटीजर है, यू डबल इंटीजर है, ऐसे कर करके यहाँ पे अलग अलग डेटा टाइप है। तो हम लोग यहाँ पे इंटीजर रहने देते हैं, क्योंकि जो काउंटर काउंट करेगा वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 के रेस्पेक्ट में, तो इंटीजर रहने दीजिए, ठीक है? अब यहाँ से सबसे पहला काम क्या करते हैं कि इसको हम एक स्विच से कनेक्ट करके, और यहाँ पे हम इसको एक आउटपुट से कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि क्यू और क्यू क्या होता है, उसका आउटपुट होता है, ठीक है ना? और यहाँ पे CV है, CV क्या होता है, काउंटर का कैलकुलेटेड वैल्यू या काउंटर वैल्यू बोल सकते हैं, या आप उसको बोल सकते हैं एक्यूमुलेटेड वैल्यू। मतलब यहां पे काउंटर उस वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है जो इसका एक्यूमुलेटेड वैल्यू होता है, ठीक है? यहां पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहां पे आकर के एक इनपुट का एड्रेस दे देंगे, तो यहां पे डबल क्लिक करते हैं और एक इनपुट का एड्रेस दे देते हैं I0.0, यहां पे एक इनपुट का एड्रेस दे दिए, और इसके बाद रीसेट पे भी चाहे तो आप एक इनपुट कनेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज एड्रेस डायरेक्टली दे सकते हैं, तो I0.1 यहां पे एक एड्रेस दे देते हैं, ठीक है, I0.1, और प्रीसेट वैल्यू में चाहे तो हम यहां पे प्रीसेट वैल्यू दे सकते हैं, तो यहां पे प्रीसेट वैल्यू डायरेक्टली अगर दे देते हैं 5, 10 समथिंग कुछ भी, तो कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट करेगा, और सीवी में हमको कोई मतलब अभी फिलहाल नहीं है, इसलिए नहीं दे सकते हैं, है ना? हाँ, अगर आपको काउंटर से कुछ रेफरेंस लेकर के कोई दूसरा काम करवाना हो तो आप सीवी पे कोई एड्रेस कोई लोकेशन दे सकते हैं, अदरवाइज इट्स नॉट नेसेसरी, राइट? उसके बाद यहाँ पे आ करके हम एक आउटपुट ले लेते हैं, और वो आउटपुट होगा मेरा Q0.0, ठीक है, कुछ इस तरीके से आकर के यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है? जैसे ही ये यहाँ पे होगा तो इसके बाद हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं कि इस आउटपुट को हमको मतलब जलाना है, मतलब ये जो आउटपुट कनेक्ट हुआ है तब जलेगा, तब ऑन होगा, व्हेन दिस स्विच इज एक्टिवेटेड 5 times, मतलब जब इस स्विच को 5 times प्रेस करते हैं तब ए आउटपुट क्या होगा, ऑन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो सबसे पहले अब इसको हम करने के लिए देखिए क्या करते हैं, तो यहाँ पे आ जाने के बाद में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद में यहाँ पे इसको क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे, कंपाइल कर लेते हैं, ओके, कंपाइल कर लेते हैं। जब ये मेरा कंपाइलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम लोग इसको देखेंगे। हाँ,
यहाँ पे आकर के डाउनलोड टू डिवाइस कर देते हैं। तो उधर में मेरा पीएलसी ऑन, मतलब उधर में कंट्रोलर मेरा ऑन है, इसको डाउनलोड करके बस यहाँ पे हम लोग इसको एक बार ऑन करके देख लेंगे कि हाँ भाई उस तरीके से काम कर रहा है या नहीं, ठीक है ना। तो जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होता है उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ करके इसको जस्ट स्विच को एक्टिवेट करके हम लोग देख लेंगे कि वेदर मतलब काउंटिंग इज बींग परफॉर्म्ड है ना एट द काउंटर और नॉट, राइट। तो यहाँ पे जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड सो दैट कि डाउनलोड प्रोसेस कुड कंप्लीट, और हो गया है। तो यहाँ पे आकर के इसको गो ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं, और जैसे ही गो ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं इसके बाद इनिशियली इट विल टेक सम टाइम, आफ्टर दैट इट विल नॉट, राइट। तो यहाँ पे जैसे पहले है वो लेगा, और इसके बाद यहाँ पे आकर के मॉनिटरिंग ऑन ऑफ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद रहने देते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप टॉप में देखिए कि यहाँ पे आकर के देखिए कि दिस इनपुट हैज नॉट बीन एक्टिवेटेड, दिस इनपुट इज ऑफ फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ है, एंड द काउंटर काउंटिंग ऑफ द काउंटर रिफ्लेक्ट जीरो, क्योंकि यहां पे काउंटर का जो काउंटिंग है वो जीरो है। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा कि एज मेनी टाइम वी प्रेस दिस, इवन आई विल प्रेस दिस स्विच, राइट, इट्स गोइंग टू इंक्रीमेंट द काउंटिंग एज वेल एज यू कुड एज वेल एज वी कैन से इट विल स्टोर द इवेंट हाउ मेनी टाइम दिस स्विच इज प्रेस्ड, एंड द मोमेंट दिस वैल्यू मतलब टाइम काउंटर वैल्यू गेट्स इक्वल टू द प्रीसेट वैल्यू, this counter becomes excited, ऐसा कहता है इसका statement, ऐसा property कहता है इस counter का, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो हम यहाँ पे करेंगे वो ये करेंगे कि इसका जो करस्पॉन्डिंग इनपुट है उस इनपुट को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आकर के I0.0 को एक्टिवेट करते हैं, और एक्टिवेट करने के बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो I0.0 को देखिए, हम यहाँ पे एक्टिवेट किए, पहली बार एक्टिवेट किए, तो देखिए काउंटर का काउंटिंग वहाँ पे 1 हो चुका है, और जब तक ऑन है वो ऑन को ऑन ही है। अब यहाँ पे हम इसको क्या कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, बट दिस काउंटिंग विल नो मोर बी अफेक्टेड, यहां पे नहीं हुआ है, राइट, यहां पे ये अफेक्टेड नहीं हुआ है, ठीक है, ऑफ हो चुका है, और 1 का 1 स्टोर करके रखा है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में यहां पे फिर से दूसरा बार ऑन किए हैं, काउंटिंग देखिए फिर से इंक्रीमेंट हो गया 2, फिर से ऑफ किए, फिर से देखिए ऑन किए वहां पे, फिर से वो 3 हो गया, फिर से यहां पे ऑफ किए हैं, फिर से ऑन किए वहां पे 4 हो गया होगा, ठीक है, फिर से ऑफ कर दिए, और इस बार जैसे ही प्रेस करेंगे 5 हो जाएगा और आउटपुट ऑन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे ही प्रेस किए वो क्या किया, सिग्नल को पास किया, बट इससे पहले वो सिग्नल को पास नहीं कर रहा था, वो सिर्फ क्या कर रहा था कि स्विच का जो इवेंट था उस इवेंट को स्टोर करके ये रख रहा था, है ना, इसलिए कि सो दैट व्हेन स्विच इवेंट गेट्स इक्वल टू द प्रीसेट वैल्यू, राइट, आई लेट द इलेक्ट्रिसिटी पास टू द आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट को देगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए इस कंडीशन में यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इधर में आकर के देखिए रीसेट अभी क्या है, ऑफ है, और यहाँ पे काउंटर अभी काउंटर का इनपुट भी ऑन है, आउटपुट भी ऑन है। सो क्या करते हैं, लेट अस ऑफ द इनपुट। तो सबसे पहले हम इनपुट को ऑफ करते हैं, सी स्टिल आउटपुट इज स्टोर्ड इवन 1। तो यहाँ पे है क्यों, क्योंकि आफ्टर अचीविंग प्रीसेट वैल्यू काउंटर बिकम्स एक्साइटेड। तो जब ये एक्साइटेड हो जाता है तो ये सेट की तरह बिहेव करता है, और जब कोई आउटपुट सेट होता है तो उसका जो आउटपुट होता है वो इनपुट पे डिपेंडेंट नहीं होता है, तो इसलिए क्या है, आउटपुट 1 है। तो अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे आकर के सबसे पहले हमको अब रीसेट करना है, सो दैट कि वी कैन यूज द काउंटर अगेन। तो रीसेट करने के लिए I0.1 हमने लिया है, देखिए जैसे ही रीसेट करेंगे I0.1 ऑन होगा और काउंटर ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने का मतलब क्या, कि काउंटर को जो काउंटेड वैल्यू था वो जीरो में टर्न हो चुका है। ध्यान से देखिए, द मीनिंग ऑफ रीसेट इज व्हाटएवर वैल्यू काउंटर वाज काउंटेड इट विल टर्न टू जीरो एंड दिस रिफ्लेक्ट्स द रीसेट स्टेट ऑफ द काउंटर। देखिए यहां पे जीरो हो गया। एक प्रिकॉशन आपको हमेशा क्या लेना है कि सप्लाई शुड नॉट बी प्रोवाइडेड टू बोथ द टर्मिनल्स एट द सेम टाइम, मतलब रीसेट को और सीयू को सेम टाइमिंग में कभी भी पावर सप्लाई नहीं मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, अगर ऐसा होता है तो आप देख लीजिए क्या होगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों को ऑन कर दिया। जब दोनों को ऑन किए तो नियमतः क्या होना चाहिए कि ये ऑन है तो इसका इवेंट को यहाँ पे स्टोर होना चाहिए था, बट मतलब दिस इवेंट इज नॉट बीइंग स्टोर्ड हियर। व्हाई, बिकॉज सेम टाइम दिस टू हैव बीन पावर्ड एंड दिस इज सेटिंग द बीट 1, एट द सेम टाइम दिस इज रीसेटिंग द बीट 1 डाउन टू 0। तो क्या हो रहा है, ये हमेशा 0 का 0 पे ही रखता है, क्योंकि जो हायर प्रायोरिटी होता है वो हमेशा रीसेट का होता है,
ठीक है ना। तो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप इवेंट को ऑन ऑफ करते रहिए, बट नो मोर इवेंट विल बी स्टोर्ड इन द काउंटर, क्योंकि रिसेट ऑन है, जब तक रिसेट ऑन रहेगा नो इवेंट विल बी स्टोर्ड। ध्यान से देखिए यहाँ पे ऐसा, राइट। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इंश्योर करना पड़ेगा कि रिसेट ऑफ है कि नहीं। जैसे रिसेट ऑफ होता है, काउंटर विल मेक द फ्रेश काउंटिंग फ्रॉम जीरो एंड इट विल गो अप टू द रिसेट वैल्यू। फाइन, as it reaches to the preset value it will provide the output, right। इस तरीके से इसका function है, ठीक है। तो आज का जो classes है हम लोग यहीं पे finish करते हैं, और एक बार just reset करके इसको हम normal कर देते हैं, ठीक है ना। तो और देख लेते हैं हम लोग इसका practical जो example है वो practical implementation की, किस तरीके से इसको hardware में हम लोग use कर रहे हैं और कैसे output produce कर रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम। आज हम लोग मिलते हैं इस PLC का practical session में, और आज हम लोग बात करते हैं एक न्यू इंस्ट्रक्शन के बारे में, काउंटर इंस्ट्रक्शन का इम्प्लीमेंटेशन, कैसे हम लोग काउंटर इंस्ट्रक्शन को यूज करते हैं। जहां तक बात है काउंटर इंस्ट्रक्शन का बेसिक्स, उसको प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करते हैं और किस तरीके से उसका प्रोग्रामिंग करते हैं, वो हमने जस्ट इसका सॉफ्टवेयर सेक्शन में हम लोगों ने देखा, और अभी हम लोग बात करते हैं उसका प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करते हैं। फाइन, तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे काउंटर को यूज करके एक प्रोग्रामिंग बनाया है जिसमें कि हम कुछ एड्रेस ले चुके हैं उसका इनपुट के लिए, रिसेट के लिए, आउटपुट के लिए, ऐसा। और हम लोग को जस्ट यहाँ पे देखना है काउंटर का ऑपरेशन। तो उसका इनपुट के लिए हम यहाँ पे एक एड्रेस ले चुके हैं i0.0। तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि काउंटर क्या करता है, कि नाम से ही पता चल रहा है कि काउंटर काउंटिंग ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है। बट क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ अ काउंटर राइट परफॉर्म्स द काउंटिंग ऑपरेशन, या हाउ डज अ काउंटर परफॉर्म्स द काउंटिंग ऑपरेशन, कैसे। तो यहां पे इस चीज को देखने के लिए सबसे पहले यहां पे हम लोग देखते हैं कि ये जो स्विच बॉक्स है, इस स्विच बॉक्स से हमने एक इनपुट को ले लिया है जो उसका सेट का काम कर रहा है। फाइन, मतलब सेट करने का काम कर रहा है, मतलब उसका इनपुट को टाइम एंड अगेन क्या कर रहा है, मतलब ऑन ऑफ करवा रहा है, मतलब आप बोल सकते हैं उसको वहां पे इनपुट पे एक ट्रांजिशन अराइज करवा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आकर के सबसे पहले इनपुट को हम लोग करते हैं, देखिए यहाँ पे टाइम काउंटर में प्रीसेट वैल्यू हमने दे चुका है कितना 5। कहने का मतलब कि काउंटर का जो प्रीसेट वैल्यू होगा उतना टाइम तक अगर किसी इनपुट को हम ऑन ऑफ करते हैं तो वो ऑन होता है, मतलब कौन, आउटपुट। तो पहले देख लेते हैं, तो यहां पे देखिए क्या करते हैं, एक टाइम इसको इनपुट को एक्टिवेट किए, ऑफ कर दिए, फिर से एक्टिवेट किए, 2, यहां पे 3, 4, ये लास्ट टाइम है, जैसे इसको प्रेस करेंगे 5। देखिए जैसे 5 टाइम प्रेस किए हैं तो वो क्या हो गया है, इनपुट मतलब जो आउटपुट है, जो कनेक्टेड आउटपुट था वो ऑन हो चुका है। इवन अगर आप इनपुट को ऑफ भी कर देते हैं तो ये जो आउटपुट एक बार काउंटिंग करने के बाद, अपना प्रीसेट वैल्यू को अचीव करने के बाद जो ऑन हुआ है वो ऑफ नहीं होगा, और ये ऑफ तब तक नहीं होगा जब तक इसको हम लोग रीसेट नहीं करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि काउंटर का प्रॉपर्टी क्या है कि एक बार जब वो अपना प्रीसेट वैल्यू को अचीव कर लेता है तो वो एज ए सेट ट्रीट होता है, मतलब सेट बिहेव करता है। तो जब वो सेट बिहेव करता है तो देखिए आउटपुट क्या रहेगा, वो सेट रहेगा। जब ये सेट रहेगा है ना, आउटपुट हमेशा सेट रहेगा, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, रिसेट। तो रिसेट करने के लिए हम एक स्विच को ले चुके हैं यहां पे, तो देखिए जैसे ही स्विच को एक्टिवेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। एक मतलब एक जो टाइमर का जो बेसिक ऑपरेशन है वो। दूसरा क्या कहता है कि इस टाइमर इंस्ट्रक्शन में मेरा 2 इनपुट है, एक है आपका मतलब उसका स्विच इनपुट और एक है उसका रीसेट। तो कहता है कि अगर मान लीजिए दोनों इनपुट को अगर हम लोग ऑन करके काम करें तो देखिए यहां पे रीसेट को भी ऑन कर चुके हैं, और जो उसका जो सेट जिससे काउंटर सेट होता है, मतलब इनपुट, अगर उस इनपुट को हम लोग उसी तरीके से है ना ट्रांजिशन प्रोवाइड करते हैं जिस तरीके से पहले बार में किए थे, तो क्या ये 5 के बाद ऑन होगा क्या। तो देख लेते हैं इसको, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, देखिए 6, 7, 8, नथिंग, ऑन नहीं हुआ। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए ये जो रीसेट
जो स्विच है जिसको कि एक्टिवेट करके रखा गया है, तो जब तक एक्टिवेट रहेगा वो क्या करेगा कि जो भी इधर से इंस्ट्रक्शन जाएगा, जो भी मतलब ट्रांजिशन जाएगा, उस ट्रांजिशन को वो स्टोर ही नहीं करेगा। सेम टाइमिंग वो क्या कर देगा, रीसेट। सेम टाइमिंग में वो क्या कर देगा, रीसेट। एक काउंटर जीरो पे है, जैसे ऑन के जीरो से वन हुआ, सेम इंस्टेंट में वो कर दिया जीरो, मतलब काउंटर रिमेन्स एट जीरो, वो जीरो का जीरो में रहेगा। क्योंकि जब कभी भी अगर आपको काउंटिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करवाना है तो रीसेट का जो स्विच है दैट मस्ट बी, है ना, मतलब that must not be provided power supply, उसको देना नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आकर के सबसे पहले इसको ऑफ करते हैं, ये इंश्योर यूजर करेगा कि हाँ भाई उस पर कोई पावर सप्लाई है या नहीं है, और अगर है तो उसको ऑफ किया जाए। तो मैंने इसको ऑफ कर दिया, और फिर से देखिए इसको फाइव टाइम प्रेस करते हैं। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, जैसे ही 5 टाइम प्रेस किए वो देखिए आउटपुट ऑन हो चुका है। तो इस तरीके से ये है आपका अप काउंटर का ऑपरेशन, काउंटर इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तब तक के, मतलब इसी ऑपरेशन के साथ हम लोग इस सेशन को खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी सजेशन, जस्ट राइट बिलो इन द कमेंट बॉक्स। आई वुड लव टू आंसर देम। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग।